से फोटो बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी। आप वो चीज कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप जेपीजी फाइल से बना लो। अभी चंद बच्चों की पहले को तो बनाया था आपके बच्चे ने, जो जो मैंने आपको ब्रांड बताया था उससे रिलेटेड सेम ब्रांड पे आपने बनाया है। दो तीन तो बहुत दूर की बात, एक जो है आपने किस जो है बैठ लो कहाँ है वो नीचे माय गॉड, एक मिनट ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने आपको पेड़ बताए थे आपके मोबाइल ऐप वाला मोबाइल ये तो भाई लैंडिंग डबल पहले कर रहा जो मैंने आपको ब्रांड बताया था उन पे काम करके लेके आना था। आपने तो मैचिंग कवर पे दिखाया होंगे जो ये
और बॉयज में से आ जाओ, आप किसने बनाया हो? ये फाइल मुझे देखनी थी ना, ये और इसके अलावा सर क्या चल रहा सबका? ठीक है, वर्कस्पेस की मीटिंग किस किस के लगते हैं? बस चार लोग बस आप में सब लोग ये आप लोग के आज सारे ये करते हैं कल आपका ये वो वाला लेटर या वो वाला ये सेंटेंस है जिसको ज्यादा प्रोमिनेट करना है ताकि लोगों को पता लग सके इन्होंने 50% सॉल्व लगाया हुआ है तब भी क्या क्या आपका ये वो वाला मैसेज है जो आपके इस वाले लेटर से इस वाले सेंटेंस से बढ़ाना चाहिए आपको छोटा दिया हुआ हमेशा जो आपकी चीज जो आपका सेंटेंस है ऐसा है जिसे आप जिसकी वजह से वो आपसे काम करवा रहे एक ब्रांड है वो आपसे 50% ऑफ की पोस्ट बनवा रहा है सेल की तो देखें जी उसकी सबसे पहले जो चीज यही है कि 50% ऑफ मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए मेरी पूरी एक बैनर पे या मेरी पूरी पोस्ट पे तो आपने बस उस चीज को मद्देनजर रखना है कि जो आपकी चीज इस तरह की है ना जिस तरह स्पेशल ऑफर डिस्काउंट ऑफर 50% ऑफ ये वो लेटर्स हैं जिनकी वजह से आपका डिजाइन बन रहा है जिनकी वजह से आप डिजाइन बना रहे हैं जिसकी वजह से आप आपका कस्टमर आपका डिजाइन बना रहे हैं बाकी फीचर ही पिक्चर्स तो ठीक है आपका लोगो वो भी ठीक है लेकिन ये वो मेजर चीज है जो आपके डिजाइन के आधे हिस्से में मैक्सिमम आनी चाहिए स्पेशल ऑफर होगी ओपनिंग सून हो गया कमिंग सून इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना इनको आपने ज्यादा प्रोमिनेंट बड़ा करना होता ठीक है तो इसको आपने ना ज्यादा प्रोमिनेंट करना इस तरह
बॉय को बोलो, आप में से किसी ने मेरे पास अपने लैपटॉप पे पीएसजी फाइल खोल के लेके आया करें। आप ये देखिए, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली है। ये सारी आप सबकी प्रॉब्लम बड़ी हुई है, ये प्रोफेशनल वाले काम नहीं है। बाकी आपकी बेहतरी है, ये सारी चीजें आपकी लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने ये प्रोटेक्शन करना है तो आपका कौन करता है। अब ये प्रोटेक्शन आपकी मोबाइल सर्टिफिकेट अगर आपकी डीपर सर्टिफिकेट नहीं है
वो वाला डिजाइन इन्होंने बनाया, वो आपने बनाया था कि इन्होंने बनाया मिलके बनाया था? आपने भी आगे लेके आना। अच्छा अगर मिलके बनाया तो एक बनाया, अगर मिलके भी बनाया तो एक बनाया, क्या बात है। मिलके बनाते तो कम से कम सारे ब्रांड बना देते, मुझसे पूछ लेते आप, पूछ लेते आप। ठीक हो तुम सामने ना पता लगे पूछ लिया करें, आपको उसमें तो बता दिया करूंगा, ऑनलाइन नहीं होता। कोशिश करिएगा कल को ये जो ब्रांड्स बताएंगे इनको बना के लेके आइए कल। आप वही बताने, वही वही बताना। आपने बनाया सेंड करना, बना लिया पेपर। ये लोगो है ना, ये जगह खाली क्यों कर रहे हैं? तो कम से कम इतना तो लोगो आया, ये बिल्कुल गलत नहीं आ रहा। यहाँ पे ले जाए जी, आपको लोगो ही आपको लगाया तो इसी तरह आपने हर एक पीस का आपने दुर्घटना से क्यों देखे नहीं मिला सर? हाँ तो हर चीज के लिए नहीं ना, नहीं ये एक भी ना है उसके अलावा जगह खाली नहीं होनी चाहिए। डिजाइन को फिल करना है किसी तरीके से, मैटर को बढ़ाना है, भी फिल करना है। एक दफा करने से नहीं ऊपर आएगा, बार 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 करना आपके लिए नीचे होती है, काफी ज्यादा ऊपर आती है। ठीक है,
सभी लोगों ने जितने भी डिजाइन बनाए हैं ना, जितने भी डिजाइन बनाए हैं आपने, अच्छे बने, बेहतरीन है आपके मुताबिक, आप बिगनर हैं आपके लेवल पे, ठीक है। बाकी ये डिजाइन बनाने से पता क्या है, मुझे पता लग गया आपकी कमी पेशियों का। हर बच्चे ने जो भी डिजाइन बनाया उसमें उसकी मैंने कमियां पेशियों से बताई हैं। अब मैं आपको उनको दूर कैसे करना है वो बताऊं, ताकि आप नेक्स्ट वाले डिजाइन में वो ना करें कम से कम, ठीक है। किसी और भी बच्चे का स्क्रैच जिसका इशू आ रहा था, स्क्रैच जिस फुल हो गई है, खाली कैसे करनी है, किसका आ रहा था? कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं, ये मुझे किसने व्हाट्सएप किया, फर्नीचर वाले डिजाइन राणा जो एप, आप हो ये वाले, ये कौन है फिर? अच्छा ये वो है भाई जो आते होते हैं, ये देखें सबसे पहले स्क्रैच डिस्क जो है वो कैसे खाली करनी है आपने अपनी, और उसे कैसे आपने क्लियर करना है। सबसे पहले वो निकालनी कहाँ से है, आपको मैंने बताया था कि आपने अपनी ये जो विंडो आपको नजर आ रही है ना, ये जो सर्च आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने लिखा नहीं था शायद, नोट नहीं था कि कैसे क्या मैंने कहा था, वो नोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपनी शिफ्ट के साथ ना शिफ्ट परसेंटेज लिखनी है, जैसे ये परसेंट होती है ना परसेंटेज, आपने वो लिखना है, और उसके बाद आपने टी ई एम पी टेम्प के साथ फिर शिफ्ट आपने ये ऐसे परसेंटेज कर देनी है। ये देख ले नीचे मैंने क्या TEMP लिखा हुआ, टेम्प फाइलें आपकी जो टेम्प्रेरी फाइलें होती हैं, ये वो उसकी शॉर्ट की है डिलीट करने की, आपने ये लिखना है, लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है, इंटर करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा आपका जो टेम्प फाइलों का, ये सारा ये जब ओपन हो जाएगा आपने कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर देना है, ये इस तरह डिलीट हो जाएगा, जो फाइलें खुली होंगी उनको आपने स्किप कर देना है, ये सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने डेस्कटॉप पे जो आपका रिसाइकल बिन पड़ा हुआ है, जो बास्केट पड़ी हुई है, उसे आपने एम्प्टी कर देना है ये ऐसे, ठीक है। आपकी जो फाइलें हैं सारी टेम्परेरी फाइलें, वो सारी डिलीट हो चुकी हैं आपके सिस्टम से। अब आप अपनी कोई भी कमांड यूज करेंगे ना तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आप इजीली यूज कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपकी सी ड्राइव की जो स्पेस है वो कम है, वो 120 SSD आपने लगाई हुई है, उसके अलावा आपने हार्ड नहीं लगाई हुई, तो आपको मसला आ रहा है जी कि वो इसमें हार्ड जल्दी फुल हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था आपने अपने अडोब फोटोशॉप में कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के करने से आपको ये जो स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है आपको स्क्रैच डिस्क का, ये इधर करके नीचे स्क्रैच डिस्क का जो ऑप्शन आ रहा है आपकी, ये अगर सी पे है ना टिक, तो आपने इसके साथ डी पे भी कर देना है, आपने डी पे भी कर देना है। डी पे करने से क्या होगा कि आपकी जो सिंपली वो पहले सी ड्राइव यूज कर रहा था ना अपनी टेम्प फाइलों के लिए, वो डी भी यूज करेगा, आपकी जो टेम्प फाइलें हैं वो डी में भी आने लग जाएंगी, आपकी जल्दी हार्ड है ना वो फुल नहीं होगी, तो आप इजीली काम कर लेंगे, आपका सॉफ्टवेयर आपको तंग नहीं करेगा। तो डी में करते हैं, सी में खत्म कर दिया, लेकिन सी और डी से करने से पता क्या होगा, आपकी वो डी ड्राइव में तभी सेव करेगा जब आपकी सी फुल हो जाए,
एडोब में गया क्या ये 5 मिनट। देखिए आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं, आपकी टेम्प्रेरी फाइलें बन रही है, एक एक क्लिप की जो जो आप उसके अंदर लेके आ रहे हैं। आप एडोब में काम कर रहे हैं उसकी भी टेम्प फाइलें बन रही है। आपके सिस्टम की जो सी ड्राइव होती है ना, सी ड्राइव, उसमें सारी टेम्प्रेरी फाइलें सेव हो रही होती हैं फोल्डर में। उन सारी फाइलों को एक फोल्डर के अंदर डिलीट कैसे करना है, वो ये तरीका है, टेम्प परसेंटेज, टेम्प परसेंटेज। वो आपके कोरल ड्रा की, इन पेज की, अडोब की सारी टेम्प्रेरी फाइलें डिलीट कर दे। जो भी आप काम कर रहे होते ना, उनकी टेम्प्रेरी फाइलें होती हैं वो एक सी ड्राइव में अलग फोल्डर में सेव हो रही होती है, ठीक है। उन सारी फाइलों को डिलीट करने का तरीका ये है, बजाय कि आप सी ड्राइव के अंदर फोल्डर में जाके टेम्प फाइलें ढूंढें, तो आपको वो एक सिस्टम ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जहां जहां भी पड़ी हुई है टेम्प्रेरी फाइलें, उनको ऐसे डिलीट करना है एक ही फोल्डर से। वो एक ही जगह में पड़ी होती है ना, उनको टेम्प वाले ये ऑप्शन से आपने डिलीट कर देना, वो डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद किसी बच्चे का ऑप्शन आ रहा था जी, आपको मैं बता देता हूं। अच्छा ये देखें, ये एक वेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड पे वेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने एक सिंपली उस प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है, कोई भी चीज़ है। मैंने उस दिन भी बताया था, बेशक वो आप किसी स्कूल का डिज़ाइन बना रहे हैं या किसी प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था बेकरी का डिज़ाइन है, तो आपने क्या करना है जी, बेकरी के आगे उसके लिख देना है बेकरी वेक्टर बैकग्राउंड। अगर मैं पेट शॉप का कह रहा हूँ आपको, तो आपने पेट वेक्टर बैकग्राउंड लिख देना है। अगर मैं आपको और मैंने ब्रांड बोले थे, गारमेंट्स या फर्नीचर का कहा था मैंने आपको, तो आपने मोबाइल या कंप्यूटर का कहा था, आपने उसके आगे वेक्टर बैकग्राउंड लिख देना है। उसके जो ये छोटे छोटे से वेक्टर होते हैं ना, इनकी बैकग्राउंड, इसे बोलते सारे को बैकग्राउंड। ये आप अपने इजीली अपनी बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करना, आपने इसे क्लिक करके जब आपने अपने डिजाइन पे लेके आना है, इस तरह लेके जब आपने आना है ना, तो आपने ये नहीं करना कि इसको ही कंट्रोल टी करके सारे डिजाइन पे बढ़ा कर देना, इसकी शेप शूप खराब कर देनी है आपने, ये इस तरह आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप डिजाइन को लेके आगे ना इधर वेक्टर बैकग्राउंड को, आपने देखना ये आपकी बैकग्राउंड पे बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ज्यादा छोटी तो नहीं हो रही, मतलब ये देखें इस तरह बिल्कुल छोटी तो नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देना इस तरह, जितना कि ये है। आपने आल्ट के साथ इसकी ये कॉपी करनी इस तरह, आल्ट और शिफ्ट से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट उसके बराबर जाएगी सामने। इसकी कॉपी करने के बाद आपने इसकी साथ वाली ये लेयर पकड़नी, दो लेयर और हो गई है ये, फिर आपने आल्ट के साथ शिफ्ट के साथ इसकी एक और कॉपी करनी है इस तरह नीचे, ठीक है। एक और आपने कॉपी करनी है, कर ले नहीं करनी कॉपी आपने, तो आपको लेयर पकड़ने का तरीका बता दूं, आपने ये ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है और ये नीचे आ जाना है यहाँ पे, शिफ्ट के साथ आपने नीचे क्लिक करना है, सारी वाली ऊपर वाली लेयर आपके पकड़ी जाए। शर्त ये होनी चाहिए कि इन लेयर्स के दरमियान कोई और तीसरी लेयर ना हो कि वो पकड़ी जाए। अब मुझे तो पता है कि मैंने सिर्फ इन चीज़ों की कॉपी की थी, सिर्फ यही ले रहे हैं इसके। आपने कंट्रोल टी करके इसको साइड से थोड़ा सा बढ़ा करके इसको अपने साइज में ये इस तरह एडजस्ट कर दे, ठीक है। अब ये एक बैकग्राउंड बन गई, ये सारी आपकी लेरे लहदा लहदा है ना, तो अगर आप ओपेसिटी कम करेंगे तो वो किसी एक ही कर देगा, सारी की भी कर देगा, लेकिन वो आपकी लेरें अलहदा अलहदा होंगी। अभी आपने पकड़ी सारी लेरें, इसलिए सारी की कर रहा है, तो अपने डिजाइन को आप हैवी ना करने की बजाय क्या करेंगे, इन सारी लेयर्स को आप कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे, एक लेयर बना देंगे। जितनी भी आपने वो कॉपी की ना लेयर्स, ये देखें कंट्रोल ई करता हूँ, ये कॉपी की है आपने। अब मैं बजाय कि इस एक लेयर को पकड़ूं, इस लेयर को पकड़ूं, लेकिन ये मकसद तो हमारा पूरा एक बैकग्राउंड ही है ना ये, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये यहां से लेके यहां तक आपने शिफ्ट के साथ ये सारी लेयर्स पकड़ लेनी। ये आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं लेयर्स पकड़ने का, बजाय कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इधर को पकड़े, शिफ्ट के साथ इसे पकड़े, इसे पकड़े, इसे पकड़े, टाइम लगता है। तो आप यहाँ से सिंपली ऊपर वाली लेयर्स पर क्लिक करके सबसे पहले नीचे वाली लेयर पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ सारी लेयर पकड़ लेंगे आप,
पकड़ लीजिए आपने ले रहे हैं, उसके बाद आप कंट्रोल ई कर देंगे। कंट्रोल ई करने से जो आपकी जितनी भी ले रहे हैं आपने पकड़ी होंगी वो आप उनको आपको ना एक लेयर बना देगा, उसकी मर्ज कर देगा। ऐसे कहते हैं मर्ज करना। वो किसी बच्ची का ये ऑप्शन आ रहा था, किसी गर्ल्स का आपका आ रहा था ना, वो ये इशू होता है। गलती से आप कंट्रोल डी की बजाय, आर की बजाय, डब्ल्यू की बजाय कंट्रोल ई कर देते हैं तो वो लेयरें मर्ज हो जाती हैं, नुकसान होता है। ये कमांड आपने देख के सोच समझ के यूज करनी है। अगर आपने ये यूज कर ली कमांड तो उसके बाद आपने दो तीन चीजें हिलाई हैं, काम किया है, तो ये कमांड आपकी कंट्रोल डी से बैक नहीं आएगी। आपकी लेयरें मर्ज हो चुकी होंगी, उसके बाद आप चीजों को हिला नहीं सकते। अब मैं कहूँ जी मैंने इसको तो मैंने इसको पकड़ना है, ये नहीं पकड़ा जाएगा, ये सारी एक लेयर बनी हुई। तो कंट्रोल ई का आपने जो इस्तेमाल है ना वो बड़ा देख सोच समझ के करना है। कोरल में उसे कोरल में इसे कहते हैं वेल्ड करना। जिस तरह आप देखें ना लोहे की चीजों को वेल्ड करते तो एक हो जाती है, इसी तरह कोरल ड्रा में ऑप्शन है वो चीजों को वेल्ड कर देते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जब आप दो से तीन से चार चीजों को पकड़ा होगा ना आपने, तो आप ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है इन्हें वेल्ड करना आपने, वो आप जब वेल्ड करेंगे तो वो एक चीज बन जाए। आप एक चीज को पकड़ेंगे वो सारी पकड़ी जाएगी जो आपने वेल्ड किए होंगे। समझ लगी आपको ये बात? अच्छा, ये बैकग्राउंड बन गई है, ये आपने देखा, ये मैंने जिस तरह कॉपी की है इसी तरह आपने कॉपी करनी है, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, अगर मैं इसके ऊपर अपना कोई लेटर्स लिखूंगा या कोई लोगो लगाऊंगा या मैं अपनी कोई प्रोडक्ट्स की इमेज लगाऊंगा तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो इसकी जो ओपेसिटी है वो हमने कम करनी है, जहां पे भी वो इजीली, अभी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थर्ड कम कर देनी से, ये ऐसे वो नजर भी आए, बिल्कुल भी नजर ना आए, नजर भी आए। ये देखें जहां तक वो इजीली आपसे मैनेज हो सके आपकी प्रोडक्ट्स के मुताबिक, आपने उसकी ओपेसिटी उसकी सेट कर देनी है। यस, सिंपल। ये और एग्जांपल, ये एक बोतल है, ये एक बोतल है जी। उन्होंने एक बोतल, एक बॉक्स, एक ग्लास, एक ये चीजें एक एक डाउनलोड करके उसकी कॉपी कर करके लगाई। कितना टाइम लगा होगा उसको? तो आपने ब्रांड की कि आपका जो भी लेटर, जो भी आपका सेंटेंस है ना, जो आपको कस्टमर कह रहा है कि मेरा ये डोमिनेट होना चाहिए, वो कहता जी मैंने एक जैकेट लॉन्च की है, पिक्चर लगा के बड़ा सा तो जैकेट, या हो जाता है। एक वेक्टर है ना, ये देखिए एक वेक्टर है ये वाला, इसको अगर हम कलर लगाएंगे ना तो ये सारी बैकग्राउंड को कलर लग जाए, इस तरह वेक्टर है ना, वो सारी बैकग्राउंड को कलर लग गया। वो वेक्टर तो नहीं लगा, उनके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड भी है, ये पीएनजी फाइल नहीं है। तो जब भी आपने, ये भी एक तरीका समझ लें कि जब वेक्टर बैकग्राउंड लिखना है ना आपने, उसके आगे पीएनजी भी लिख देना। अगर पीएनजी नहीं निकलती, आपको कोई वैसे पसंद आ गई है कि भाई यही लगानी मैंने, तो आपने क्या करना है, आपने ये वेक्टर वाली पकड़ी लेयर या मैजिक टूल या रेजर टूल, मेक सिलेक्शन, सिलेक्शन करनी है आपको। रेजर टूल लेता हूं मैं,
ये वाला रेजर टूल लिया मैंने, थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपने इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, व्हाइट वाला हिस्सा, उस पर क्लिक करना, ये ऐसे खत्म हो गया। एक क्लिक करने से व्हाइट वाला हिस्सा जो है खत्म हो गया। अब मैं इसको कलर लगाऊंगा तो सिर्फ इन्हीं चीजों को कलर लगेगा। ये देखिए, अपनी मर्जी का आप कोई भी कलर लगा ले, कोई रोक हो, ठीक है। अंदर वाला जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो कैसे खत्म करना है, रेजर टूल से या मैजिक टूल से? रेजर टूल से जो मैंने आपको यूज बताया वो ये वाला यूज हो गया। उसके अलावा जो अगर आप मैजिक टूल यूज करते हैं तो ये देखिए, ये उसने सारा व्हाइट वाला हिस्सा सिलेक्शन कर लिया। इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, ये डिलीट हो। अब सिंपली कलर लगाएंगे तो वही बेहतर है, उसको कलर लग जाएगा, ठीक है। ये मैजिक टूल मतलब बात करना का, ये सिलेक्शन आपका माइंड, मैंने बताया था आपकी जो अक्ल है ना वो चीज काम करनी चाहिए कि यार मैं मैजिक टूल यूज करूं तो सिलेक्शन होगी। दारी पास सिलेक्शन करेंगे तो वो एरिया को डिलीट करें, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप रेजर टूल से करेंगे एक क्लिक के साथ तो वो एक क्लिक से डिलीट हो जाएगा, बजाय कि मैजिक टूल आप लेके सिलेक्शन करके फिर डिलीट करें। और रेजर टूल से आपका वो सिर्फ एक क्लिक करने से ही ऐसे वो डिलीट हो जाएगा। ये वेक्टर बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका का। सिलेक्शन हमेशा बेशक आप रेजर टूल से रिमूव करें या आप सिलेक्शन वो मैजिक टूल से सिलेक्शन करें, वो आपका जो वन कलर होता है ना उसी की सिलेक्शन करता है। अगर इसके अंदर कोई ग्रेडिएंट्स लगा होता तो उसने कभी भी सिलेक्शन नहीं थी करनी। और एग्जांपल आपको एक मैं चीज दिखाता हूँ, एक ये वाला है जी, ये एक लोगो है इसके अंदर, ये पीएनजी है ऑलरेडी। आपको मैं ये, अब ये जो ग्रीन इसके अंदर लगा हुआ है ना कलर, ये एक कलर, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये इसको खत्म कर देगा। ये अगर मैं ब्लैक पे करूंगा ब्लैक खत्म कर देगा, इस पर करूंगा तो ये इसे खत्म कर देगा, व्हाइट पे करूंगा तो व्हाइट खत्म कर देगा। ये एक कलर को खत्म, ये कलर सिलेक्शन होती। इसी तरह अगर आप मैजिक टूल यूज कर रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि आपका ये कलर यहाँ यहाँ पे है। अगर वो यहीं पर भी होता है उसने यहाँ पे बता देना कि आपका कलर यहाँ पे है। वही तरीका का जो पीछे से सिलेक्शन पकड़ के आप कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं ना, सिलेक्शन करते हैं जब किसी चीज की, तो ये इस तरह होता है। नहीं नहीं नहीं, जिस पे मर्जी आप कर लें सिलेक्शन कर लिया, पीएनजी पे नहीं होगा, आप किसी पे भी रेजर टूल यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बात यहाँ पे ना बच्चों के इंडेक्स की फाइल होती है, इंडेक्स की फाइल खुल जाती है। इंडेक्स फाइल वो एक प्राइवेसी होती है, वेबसाइट वालों ने जो अपनी फाइल अपलोड की होती है उसमें इंडेक्स की फाइल होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते आप। वो डाउनलोड भी हो जाएगी, नजर भी बिल्कुल सही आएगी, लेकिन जब आप उसे अडोब में लेके आएंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते आप, उसे हिला ही नहीं सकते आप, ना उसमें कलर चेंज कर सकते, ना उसको उठा के किसी दूसरे डिजाइन में लेके जा सकते। एक इंडेक्स की फाइल और एक वेब की फाइल, ये दोनों फाइलों पर आप कोई काम नहीं कर सकते। पी एन जी, जे पी जी, ई पी एस, PDF, इन पे आप काम कर सकते हैं। PSG फाइल जो है वो आपके अडोब में खुल जाती है, लेकिन वो खुलती किस तरह है ये देखें। और एग्जांपल मैं आपके सामने ये खोल के दिखाता हूँ आपको, नहीं पड़ी हुई, ये PDF फाइल है, ठीक है। ये जी, ये जब आप PDF फाइल अपने अडोब में खोलेंगे ना तो PDF फाइल में जितने पेज होंगे ना वो आपको शो करवा देगा कि आपके इतने पेज हैं इसके अंदर। अगर आप इनको सभी को खोलना चाहते हैं तो आप सिंपली वही सिलेक्शन शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी शिफ्ट दबाया हुआ मैंने, ठीक है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी एक को खोलना चाहते हैं तो ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक आ रही है। अगर इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे 100 होती, कम होती, तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता था। इसे ओके किया तो ये इसने PDF पेज ओपन कर दिया, ये इस तरह कर, उसे बैकग्राउंड नहीं आई, सिर्फ आपकी PDF फाइल खुल गई।
तो इसमें एआई फाइल भी खुल जाती है डो फोटोशॉप में, लेकिन उसमें लेयर्स नहीं आती, वो मर्ज हुई खुलती है। इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते किसी चीज की, एज अ जेपीजी फाइल ओपन होती। मेरा एक दोस्त था, उसने आउट ऑफ कंट्री अपना जो, वो एक ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर जो जिम वगैरह में होते हैं, ऑक्सी जिम आपने नाम सुना होगा, बड़ा बहुत बड़ा है पाकिस्तान का जिम, और वहाँ पे वो ट्रेनर है। उसने बाहर के लिए अप्लाई करना था, उसका 66 पेजेस पे केस स्टडी था। 66 पेजेस पे ना केस स्टडी, बोलते हैं आप पर्सनल ट्रेनर हैं, आपके पास आपका कोई कस्टमर आया जी मुझे ट्रेनिंग दे दे, तो उसका जितना भी सारा बायोडाटा है ना इतने वीक्स का, वो उसे करवाने के बाद एज अ बुक बना के ना उसने अपना किसी आउट ऑफ कंट्री में भेजना था, अप्लाई करना था वहां पे कि वो उसे हायर करे, वो इस लेवल का ट्रेनर था। तो उसका वो कॉपी कर रहा था एक इंडियन लड़की की, जिसने केस स्टडी अपना बनवाया था टोटल 60 पेज। ये एक यहाँ पे आपको दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। ये एक एक स्टडी है, ये वाला पीडीएफ फाइल में ओपन करता हूँ, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि जब इंसान करने पे आता है ना तो सारा कुछ ही हो जाता है। ये एक लड़की थी वहां पे इंडियन, प्रियंका इसका नाम है, चीज को देखिएगा किस तरह बनी हुई। ये टोटल ऊपर देख रहे हैं आप 16 पेज है टोटल। ये एक लड़की थी, ये उसका क्लाइंट था ये वाला, उसके ऊपर ना उसे कैसे ट्रेनिंग देनी थी, वो सारी एक 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 चीज लिखनी थी, थीम बना, उसने पीछे अच्छा। ये सारे पेज की जितनी भी, ये सारे पेज आप देख रहे हैं ये सारे पिंक, ये टोटल 16 पेज है, टोटल 16 पेज ये सारे, ये इस तरह करके, ये 16 पेज उसने कितनी देर में बनाए होंगे जी, बताएं जी कितनी देर में बनाए होंगे। ये सारा मटेरियल मैंने आपको दिखाया है, आप प्रोफेशनल बंदे हैं, कितनी देर में बनाएंगे आप प्रोफेशनल? 2 घंटे, 60 पेज, 2 घंटे बना, मशीन है आप इतनी टाइपिंग प्रोफेशनल भी नहीं कर सकते। ये जनाब उन्होंने ना तकरीबन 10 दिन में बनाए थे सारे पेज, उस लड़की ने 10 दिन में बनाए थे, और डेली वो उसे 3 4 घंटे 5 घंटे देते थे। अगर आप ज्यादा टाइम दें तो बहुत ज्यादा भी आप कह लें कि आप 6 से 7 दिन में बना लेंगे। मैंने अपने दोस्त का बनाया ये सारा, मैंने कितने दिनों में बनाया जी, सिर्फ 2 दिनों, और मेरे मेरा दिमाग मर गया था। इस ये सारा ये बना हुआ, ये जितना भी देख रहे ना पेज खुले हुए हैं, ये सारा ये मैंने उसका बनाया, ये सारा मटेरियल सारा उन्होंने दिया, उसकी सेटिंग करके ये देख लें, ये एक एक सिलेक्शन करके लेयर बना के, ये एक एक ये एक इवन के ये डॉट भी है ना ये वाला, इसकी भी लेयर बनी हुई है, ये इस तरह ये एक एक चीज लिखी हुई है, ये एक एक सिलेक्शन हुई हुई है। अरे यही तो बात है, ये सारी ये लेयर बनी हुई है, ये सारी ये आप जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं आपको लेयर्स है। ये पीछे ये जो बैकग्राउंड, अगर मैं ये वाइट बैकग्राउंड खत्म करूं तो ये पीछे ये बना हुआ है वो फ्रेम वाला हिसाब। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें ये इस तरह करके, ये पीछे भी एक एक सिलेक्शन है ये बस, ये सारा ये यूज किया हुआ है। मकसद आपको बात करने का ये है कि जब इस तरह का कोई काम आ जाए, आप कह रहे हैं वर्ल्ड एक्सेल बना देते हैं, वर्ल्ड एक्सेल पे वो चीजें सिलेक्शन या वो चीजें नहीं बनती जो इससे बन जाती। मेहनत लगी अच्छी खासी, लेकिन उन्होंने पास किया इस चीज को, कहते जी ओके जबरदस्त है। 66 ड्राइव साहब बना सकते हैं जी, क्या बात है ड्राइव पे ना साहब। एक दिन में से मुराद ये कि मैंने फ्राइडे वाले दिन बैठा था, मैंने 4 5 घंटे तब लगाए, सैटरडे वाले दिन बैठा 3 से 4 घंटे तब लगाए, और संडे वाले दिन फाइनल दे दिए शिफ्ट कर।
इसकी फाइल अगर मैं दिखाऊं, अभी भी वो मुझे मैसेज कर रहा है जी मुझे उसकी फाइल कन्वर्ट करके दे दो, ये फाइल थी उसकी, ये सारे पीडीएफ पेज क्या आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये ए एक पे काम किया हुआ, ये एक एक पे काम किया हुआ। सारा मटेरियल उन्होंने आपको भी देना था, मैं सिर्फ एक एज अ डिजाइनर बैठ के सिर्फ अपने टूल यूज कर रहा था बस। चार्ज इसके इसी की एक कुलीग है इस्लामाबाद में, वो कह रही जी मैंने सेम टू सेम ऐसा बनाना, वो क्या फैसिलिटीज मुझे दे रही है, कहती मैं आपको आने जाने की टिकट देती हूँ होटल में, वहाँ पर रूम देती हूँ आपको, आपने आपको वो मुझे 15,000 से 20,000 रुपये पे कर रही है इस चीज़ का, आप सिर्फ यहाँ पे आए और ये बना के चले। हमने उसे कहा नहीं हम नहीं आ सकते, हमारा अपना यहाँ पे मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है। वो यहाँ पे आई है, होटल में स्टे किया हुआ है, डेली बेसिस पे उसे 4 से 5 घंटे दे रहे हैं और वो फिर उसका बना रहे, पूरा अकोमोडेशन दे रही थी ना वो, सारी फैसिलिटीज दे रही, हाँ वो टिकट के बीच में दे रही, हर चीज़ की वो दे रही थी। इस उन्होंने इस चीज़ की उन्होंने पे की हुई इस कोर्स के कोई 5-6 लाख रुपए है, तो उसमें अगर बंदा किसी को ये बनवाने इसी बिहेव पे सारा कुछ बनना, आपको मैं कहता हूँ जी डिजाइनर बन गए आप 9-10 डिजाइन बना के ले गए अपने किसी क्लाइंट का पूरा बायो, आपके पास एक क्लाइंट आता है वो कहता है मेरी पूरी कंपेन आपने करनी, मेरी पेंसिल डिजाइन, मेरी डायरी डिजाइन, मेरी बुक, मेरा पंफलेट, मेरा लोगो, मेरा हर चीज, मैं आपको सेम इसी चीज को लगा लें आप, मैं आपको कहता जी आप इस तरह की फाइल बना के ले गए नहीं पीडीएफ, स्टार्ट में आपने अपना इंटरव्यू देना कि आप कौन है, आप डिजाइनर है, आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आपका ये इदारा है, उसके बाद आपने नीचे अपना क्लाइंट का ब्रीफिंग दे देनी जिस तरह उसने क्लाइंट की दी हुई। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है एक, जिस तरह उसने अपने क्लाइंट का बताया हुआ है, ये देखिए ये भी दोस्त ही है मेरा, इसने अपने क्लाइंट की ये सारा रिव्यू दिया हुआ है, जब उसने स्टार्ट की जिम तब, आज हमारा ग्राफिक लेक्चर नहीं है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जब आपने अपने किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसमें आपने उसको सबसे पहले चीजें डिसाइड करनी क्या क्या बनाना है उसका, डायरी, बुक, पंपलेट, लोगो, पोस्ट, कवर्स, यूट्यूब थंबनेल, कोई भी चीज, इसी तरह आपने उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख के उसके बाद आपने उसकी नीचे सारी उसकी लोगो बनाना है, प्रोफाइल उसकी सारी हर चीज क्रिएट करनी, ये कहते हैं अपर लेवल का प्रोफेशनल डिजाइन, प्रो लेवल का जो वर्ल्ड लेवल पे यूज होते हैं। आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे ना तो आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर आएंगे जो कहेंगे कि हमारा ये नया ब्रांड है, ये हमने एक ठेले से शूज निकाले, इनको बाप ने सेल करना, उनको कैसे सेल करना है जी, बेहतरीन फोटोग्राफर बुलाएंगे, उनके फोटो शूट करेगा प्रोडक्ट्स का, शूज का, या कोई भी ब्रांड है बड़ा अच्छा सा, उसके बाद हम डिजाइनर उसकी पोस्ट बनाएंगे बड़ी अच्छी सी करके, कलर कम्बिनेशन सेट करके पोस्ट बन गई, फिर उसी पिक्चर्स को फोटोग्राफी को हम उसके हर एक जगह पे लगाए, कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे, हर चीज पे, ठेले से निकला है वो और वो कहाँ कहाँ पे सेल हो रहा है सिर्फ क्या करके हमारी वजह से, हम डिजाइनरों ने उसको इमेज दी, एक उसको कलर कम्बिनेशन दी, उसमें अच्छे फॉन्ट यूज किए। तो ये चीज होती है, चीज को मिट्टी से सोना कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं आप डिजाइनर लोग बनाते हैं। अब जो डिजाइन आप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेकरी शॉप का डिजाइन जिन्होंने बनाया हुआ है, आप ये इमेजिन करें आप ये डिजाइन किसी बड़े ब्रांड को सेल कर रहे हो, लेगा आपको डिजाइन, वो कभी भी नहीं लेता, इसकी कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें फाउंड इसमें कोई चीज ही नहीं बनी हुई है। अगर आप अपने फर्नीचर का डिजाइन अपने कस्टमर को देंगे तो वो उसमें कहेगा कि मेरा 50% को दिख दिया आपने, उसके अलावा मेरी जो पिक्चर फर्नीचर की लगाई हुई है आपने उसकी कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं आ रही, देखने में चीज बड़ी एक्यूरेट आ रही है, जो बर्गर का शूट होता है ना, बर्गर का शूट जब कैमरे से ओरिजिनल पिक लेते होते हैं पता नहीं किस तरह का व्यू होता है, उसके ऊपर जो बंद बना होता है ना उसको अकेले अकेले तो पकड़ के लाइट करके डार्क करके पकाते हैं, चिकन का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करते हैं, उसमें चीज गिर रही होती है उसका कलर ठीक करते हैं, उसके नीचे शेडो देते हैं, उसमें छोटे छोटे से तिल बने होते हैं, दाग बने होते हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर उसको डिजाइन में यूज करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में आपको आनी चाहिए, आपको बता रहा हूं
आपका माइंड बना रहा हूं मैं, ये ऐसे ऐसे होती है, ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं हो। एक अगर ज्वेलरी वाला अपने किसी एक हार की फोटो बनवाता है ना, तो उसको शूट होने के बाद पता नहीं उसमें कितनी मेहनत होती है, उसकी शेडो बनता है, उसका साइड से जो छोटा छोटा सा कह लें कि दाग होता है ना, उसको खत्म अड़ोप पे करते। इसी तरह एक शूज है, उसके नीचे मिट्टी लगी हुई है, शूट करते वक्त तो उसको कैसे खत्म करना, वो यहाँ से होता है। जो चीजें फोटोशॉप में अडोप फोटोग्राफी में नहीं क्लियर होती वो अडोप करता है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, कोई भी अपना फेस बेशक ले लें, जब मॉडल्स के शूट होते हैं, शूट हो गए, वो फोटोग्राफी जाती है उनके डिजाइनरों के पास, उसके बाद उनके वो 100 तरह के निशान होते हैं उनके ऊपर, जिनको वो क्लियर करते हैं, उनकी कलर कम्बिनेशन अच्छी करते हैं, उनके इवन के उनके सूट में जो सरवट होते हैं उनको खत्म करके सेट कर रहे होते हैं, बेडशीट के जो डिजाइन बनते हैं, उनकी जो पोस्टर बनती है, एक कमरे का शूट ले लेते हैं खाली बेड का, उसके बाद अपनी बेडशीट की शूट करके उस बेड के ऊपर लगा देते हैं, बार बार नहीं कि 50 पीस 50 की शूट करें, इस तरह नहीं होता। कैसे होता है, आप एक बेडरूम है, मैंने जिस तरह दिया हुआ, उसमें एक बेडशीट बिछाई, उसने फोटोशूट ले लिया मुख्तलिफ एंगल ले लिया, एक क्लिक एक बेडशीट। अब जिस बंदे ने वो बेडशीट का डिजाइन किया था डो फोटोशॉप पे, वो डिजाइन लेना है, उसको लेके उस बेडशीट की जो फोटो है ना उसके ऊपर एडजस्ट कर देना। तो इसी तरह एक ही पिक पे वो सारी डिजाइन बेडशीट के वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है।